नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे एक दिग्गज पीएसयू कंपनी भेल के बारे में और बात करेंगे इसके प्राइस टारगेट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देते हुए स्वदेशी कंपनियों को आगे लाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। पीछे कुछ कानून बनाए गए थे जिसका हो सकता है कि आपको पता भी हो। पहला तो ये कानून था कि कोई चाइनीज कंपनी हमारे देश में किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी या शेयर्स डायरेक्ट मार्केट से नहीं उठा सकती। उसे अगर शेयर उठाना है तो सबसे पहले सरकार के यहाँ आवेदन देना होगा। दूसरा कानून जो बहुत महत्वपूर्ण था वो ये था कि देश की कोई भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मंगाने वाली कंपनी या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगाने वाली कंपनी या इलेक्ट्रिकल उपकरण मंगाने वाली कंपनी किसी विदेशी कंपनी से आयात नहीं कर सकती, और वो भी खास करके चाइना से आयात नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, और तीसरा जो कानून था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था कि रेलवे, रोड, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकती, वो टेंडर नहीं भर सकती। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों पर चर्चा करने का मुख्य वजह यही है कि देश में भेल जैसी कंपनियों को इस प्रकार के कानून से एक अम्ब्रेला मिल जाता है, एक छतरी मिल जाती है, मतलब सरकार की नीतियों से एक प्रोटेक्शन मिल जाता है जिससे इनके व्यापार और अधिक लाभदायक हो जाते हैं। वैसे फिलहाल अगर मनी कंट्रोल के ऊपर छपी खबरों की माने तो क्रिसिल जैसी रेटिंग एजेंसी ने भेल की आउटलुक को स्टेबल से निगेटिव कर दिया है, जिससे इसके शेयर प्राइसेस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज की रेटिंग को आप यहां देख सकते हैं कि क्रिसिल डिफर्ड रेटिंग ऑन लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी एट AA व्हाइल रिवाइजिंग द आउटलुक टू निगेटिव फ्रॉम स्टेबल। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसके बारे में रेटिंग एजेंसियां हैं उनके राय। अब फ्रेंड्स, इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो यहां आप देखेंगे कि आज एक दिन में इसने अपने निवेशकों को लगभग 3% का रिटर्न दिया है। समय लगभग 2:15 के आसपास हो रहा है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने अपने निवेशकों को 1.57% का नुकसान किया है, और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसने अपने निवेशकों को 1.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और एक साल की अगर बात की जाए तो एक साल पहले जिन्होंने भी इसमें निवेश किया होगा उनको लगभग 37% के आसपास का नुकसान हुआ है। फ्रेंड्स, इसके पीयर कंपनियों की अगर बात कर ली जाए तो पीयर कंपनियों में ABB इंडिया लिमिटेड में जिन्होंने भी निवेश किया है उन्हें लगभग 28% का नुकसान हुआ है। तो GT&D इंडिया लिमिटेड में निवेश किया है उनको लगभग 54.39% का नुकसान हुआ है। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड में भी जिन्होंने निवेश किया है उनको भी 24.23% का लॉस हुआ है। वहीं सिंडर इलेक्ट्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में जिसने निवेश किया है उसे लगभग 8.58% का नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस चीज से ये निकल रहा है इसके पीयर कंपनियों के साथ इसके रिटर्न की तुलना से कि लगभग देश की जितनी भी बड़ी कंपनियां थी उन सभी कंपनियों को मोर और लेस नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब फ्रेंड्स, इसके टारगेट को जानने से पहले इसके कारोबार की स्थिति को अगर देख लें तो यहां देखेंगे कि इसकी जो ऑर्डर बुक देख रहे हैं तो ऑर्डर बुक पे 89,97,473 शेयर्स की सेल लगी हुई है, और सेलिंग क्वांटिटी 79,97,473 शेयर्स की है, और बाइंग क्वांटिटी 30,10,420, मतलब 30,10,420 शेयर्स की बाइंग लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, बहुत ह्यूज क्वांटिटी सेलिंग पर लगी है, तो प्राइस में मजबूती के साथ साथ इसमें जो मुनाफा वसूली का एक प्रेशर है, जो सेलिंग का प्रेशर है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगर इसके हम ट्रेडेड वॉल्यूम की बात कर लें तो ट्रेडेड वॉल्यूम अभी तक बहुत ह्यूज क्वांटिटी 8,26,81,764 की हो चुकी है, जिसमें से जो डिलीवरी है वो 1,85,80,978 शेयर और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 22.47 है। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी कमजोर है लेकिन ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत शानदार है। तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइस की मूवमेंट क्या रह सकती है उसको देखने के लिए एक बार चार्ट को देख लें तो यहां देखेंगे कि RSI की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 57 के आसपास निकल के आ रही है, जो प्राइस में मजबूती के संकेत दे रहे हैं। और MACD की अगर बात करें तो MACD में अभी भी जो बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ था वो बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिले जुले संकेत हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस कैंडल को देखें तो मॉर्निंग से ले
लेकर के और दोपहर के बीच में जो इसकी मूवमेंट में तेजी थी वो कहीं ना कहीं कमजोरी के संकेत दे रहा है और आने वाले दिनों में मुनाफा वसूली का इस पर प्रेशर रह सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके टारगेट की बात करें तो रिसर्च टीम की फोरकास्टिंग को अगर देख लिया जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा 37 से 38 रुपए का निवेश है और उसकी जो फोरकास्टिंग है कि अगले एक साल में हमारा टारगेट क्या होगा, तो टारगेट हो सकता है कि 33.51% की अपसाइड हो और उसकी वैल्यू लगभग 50 रुपए हो जाए। और फ्रेंड्स, यह भी हो सकता है कि यहाँ से 51.94% का डिग्रोथ कर जाए और इसमें हमें निगेटिव रिटर्न की स्थिति बन जाए और उस हालत में हो सकता है कि हमारा जो 37-38 रुपए का निवेश है वह 18 रुपए बन जाए। और दोनों ही परिस्थितियां नहीं बनती, अगर बीच की परिस्थिति बनती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो उस स्थिति में हमारी जो निवेश की मनी है 38 रुपए वो लगभग 28 रुपए बनती दिख रही है, जो इस तत्काल की जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से 25.23% नीचे। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो निवेश से पहले आप इस पर एक बार विचार करके ही कोई फाइनल निर्णय। यहाँ फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि ये अपने 50 दिनों और 100 दिनों की ईएमए को क्रॉस कर चुका है और आज अपने 200 दिनों के ईएमए को भी पार करने का अच्छे से कोशिश किया है। अगर इसकी क्लोजिंग 200 दिनों के ऊपर रहती है तो बहुत अच्छी बात होगी इस शेयर के लिए, क्योंकि पीछे हमने देखा था कि 200 दिनों के ऊपर जब ये गई थी तो वहां से बहुत जोरदार मुनाफा वसूली हुआ था और इसने अपने 200 दिनों के लेवल को तोड़ दिया था। अभी फिर से एक बार 200 दिनों के इस लेवल को इसने क्लेम कर लिया है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहां से फ्रेंड्स, जो टारगेट है और उन सारी सिचुएशंस को देखते हुए मैं आपको डरा नहीं रहा, बस इतना कहना चाहता हूं कि निवेश के साथ साथ आपको अपने रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एग्जिट का प्लान अवश्य होना चाहिए। वैसे पैसा है आपका तो मर्जी भी है आपकी, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने 200 दिनों के ईएमए को या अगर निचली स्तरों पर चाहते हैं तो 50 डेज के ईएमए को एक स्टॉप लॉस अवश्य रखें, ताकि अगर उससे नीचे की ओर जाता है तो आप यहां से एग्जिट कर लें और आपका जो मुनाफा है और आपकी जो पूंजी है वो सुरक्षित रह सके। और अगर ये 200 दिनों के ऊपर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप 200 दिनों के ऊपर बना हुआ है तब तक इसमें बने रहें। प्राइस की मूवमेंट और अगर ऊपर की ओर होती है तो अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप अपना एक रिसर्च करें और इसके बाद ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।